स्वागत है आप सभी का देव एमटीआर में। आज हम बात करने वाले हैं 2024 की न्यूली लॉन्च, ये सेकंड टॉप मॉडल है यमहा की FZX का मैट गोल्डन कलर। और इसमें फीचर्स क्या क्या मिल जाते हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, माइलेज क्या देने वाली है, कीमत बढ़ने के बाद अब इसकी ऑन रोड कीमत क्या रहने वाली है, दोनों ही मॉडल की सारी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ये सेकंड टॉप वाला मॉडल है, तो भाई पहला तो अपडेट ये है कि इसकी जो एलॉय व्हील का जो कलर है वो आपको पूरा का पूरा ग्लॉसी फिनिश में कॉपर कलर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल एक नया कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। पीछे में भी आपको 17 इंच का एलॉय मिलेगा जो कि कॉपर कलर में दिया गया है। दूसरा अपडेट ये है कि भाई यहाँ पर अब आपको इस बाइक में आपको थोड़ा सा ये गोल्डन सा कलर है, थोड़ा सा रेतीला सा कलर है जो कि मैट फिनिश में दिया गया है। और जो FZX का जो लोगो है वो 3D में है, पहले की तरह ही इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जो कि डार्क मैट ब्लैक कलर में दिया गया है। और पैनल के ऊपर में यमहा लिखा हुआ है, जबकि जो क्रोम वाला है वहाँ पर लिखा हुआ है स्टिकर में FZX, और ये सब कुछ प्लास्टिक है। अब चलते हैं भाई बाइक के फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। तो इसमें सब कुछ आपको LED में मिल जाता है, और रिंग टाइप की 3 यहाँ पर आपको LED DRL आपको मिल जाती हैं। और ये जो वाइजर है ये आपको मिलता है भाई मैट ब्लैक कलर का, LED वाले इंडिकेटर मिल जाते हैं, हालांकि इसमें हैजार्ड का स्विच आपको नहीं मिलेगा। और सेंटर में आपको LED प्रोजेक्टर मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं इसकी हेडलाइट को यहाँ पर ऑन कर देता हूँ। सेंटर में LED प्रोजेक्टर आपको मिल जाता है, तो रात में अगर आप इस बाइक को चलाओगे तो विजिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी हेडलाइट की तरफ से, ठीक है। बाकी यहाँ पर लगेगी आपकी नंबर प्लेट। इंजन को करते हैं पहले बंद। और भाई यहाँ पर आपको रबर गेटर मिल जाते हैं। इसका फ़ायदा ये रहता है कि इसकी जो सील वगैरह है वो बहुत जल्दी नहीं कटती है, जैसा कि यहाँ पर कोने की साइड में धूल मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है और फट जाती है सील, उसकी वजह से इसमें लीकेज की दिक्कत आती है। और इसमें 41mm के टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं जो कि भाई काफ़ी मोटे हैं। मडगार्ड इसका फुल मेटल बॉडी का, जो कि थोड़ा सा मैट गोल्डन कलर में दिया गया है। और ये जो जॉइंट वगैरह आप देख रहे हैं ये भी आपको मेटल बॉडी के मिलते हैं। 282mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है बाइब्रे कंपनी के कैलिपर। 180/17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है, आगे वाला टायर ट्यूबलेस है। और टायर का जो पैटर्न है वो आपको ब्लॉक वाला मिल जाता है, ब्लॉक पैटर्न टायर आपको मिलते हैं। इंजन की तरफ चलते हैं तो भाई यहाँ पर आपको ये वही वाला इंजन है जो मोस्टली आपको FZS 150 में V4 और V3 में दिया जाता है। स्पेक्स आपको एकदम सेंटर में मिलते हैं। 165mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। ये है इसका कैटलिटिक कन्वर्टर, ऑक्सीजन सेंसर। यहाँ पर भी ये जो प्लेट है ये ऊपर वाली मेटल की है, ये भी मेटल है, ये प्लास्टिक है ऊपर वाला, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है। पीछे वाला जो मडगार्ड है ये भी प्लास्टिक का है। और हेडलाइट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो पार्ट है ये भी प्लास्टिक है, ये भी प्लास्टिक है, ठीक है। बहुत चीज़ें इसमें प्लास्टिक हैं, लेकिन गिनी चुनी चीज़ें हैं जो मेटल की दी गई हैं। सिंगल हॉर्न आपको मिल जाएगा, और भाई इसमें किक स्टार्ट आपको नहीं मिलता है, और दोनों ही बाइक में नहीं मिलता है ना। इसमें दिया है 149cc का एयर कोल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर 2-वाल्व SOHC FIOD2 कंप्लायंट वाला नया इंजन, जो आपको 12.4 PS की मैक्स पावर देता है 7,250 RPM तक, और 13.3 Nm का टॉर्क पैदा करता है 5,500 RPM पर। बाइक की जो नेगेटिविटी ये है कि भाई इसमें जो पावर है वो आपको काफ़ी कम मिलती है, कम से कम इसमें 15 या 16 BHP की पावर होनी चाहिए इसके 160cc के हिसाब से। यहाँ पर जो मफलर गार्ड है सब कुछ आपको प्लास्टिक बॉडी में मिल जाते हैं। अब सीट कंफर्ट की बात करते हैं, तो एक प्लस पॉइंट यह है कि भाई सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो काफी थिकनेस और काफी मोटाई के साथ आपको मिल जाती है, तो थिकनेस काफी अच्छी है। अगर आप कि सीट हाइट थोड़ी सी कम भी रह जाती है तो यहाँ से आप इसकी सीट को कटवा सकते हैं, और इसकी सीट की हाइट को आप कम भी कर सकते हैं, जिसको कम हाइट वाले भी चला सकते हैं। 810mm की सीट हाइट है, यही सीट हाइट आपको 810mm की मिलती है MT15 में। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपको इसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा कटवाकर, ठीक है। लेकिन अगर मैं सॉफ्टनेस की बात करूँ तो सीट के अंदर की जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। यहाँ पर व्हाइट कलर की स्टिचिंग दी गई है, और पीछे में आपको पाइप वाला सिंगल पीस ग्रैब हैंडल मिल जाता है। LED वाली टेल लाइट आपको मिल जाती है, LED वाले विंकर्स मिल जाते हैं, और दो साइड बाई साइड रिफ्लेक्टर दिए गए। नीचे में आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट भी मिल जाती है।
इसके रियर में 140 mm का वाइड और चौड़ा टायर दिया गया। टायर का जो पैटर्न है वो आपको पूरा का पूरा आपको ब्लॉक पैटर्न वाला टायर मिल जाता है, तो जिससे आप इस बाइक से थोड़ा बहुत एडवेंचर भी कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग में भी बाइक को ले जा सकते हैं, जिससे आपको टायर की वजह से कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर 140/60/17 का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा, पीछे में बड़ा सा टायर। अगर 220 mm की पीछे में डिस्क मिलती है, ABS आपको सिर्फ आगे ही मिलेगा, पीछे में नहीं मिलेगा। ये जो प्लेट है ये TCS की प्लेट है, ABS की प्लेट नहीं है, ठीक है, जो ब्लैक वाली आप देख रहे हैं। इसके रियर में आपको 17 इंच का कॉपर कलर में अलॉय व्हील दिया गया और यहाँ पर दिया गया भाई इसका मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन, जिसको अपनी डिमांड के अनुसार एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मड फ्लैप दिया गया है और भाई ये है इसका ऑयल का डब्बा और यहाँ पर दिया गया भाई इसका स्विंग आर्म जो कि बॉक्सी टाइप का दिया गया। यहाँ से आप इसके टायर के प्रेशर को भी चेकआउट कर सकते हैं, सिंगल पर्सन डबल पर्सन अगर आप बाइक को चलाते हैं तो कितने कितने पॉइंट आपको आगे वाले टायर में पिछले वाले टायर में आपको हवा मेंटेन करनी है, ये सब कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप थोड़ा बहुत एडवेंचर के शौकीन है तो यहाँ पर आपको कंपनी एक इस तरह का एक्सेसरीज के तौर पर एक टैंक बैग भी आपको इस तरह का प्रोवाइड करती है, जिसकी कीमत आपको अलग से चुकानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर आपको 10 लीटर का बड़ा सा टैंक मिलता है, लेकिन दिखने में नहीं लगता है कि भाई ये 10 लीटर का 20 लीटर का सा टैंक लगता है। और यहाँ पर जो चाबी है वो भी आपको दिखा देता हूँ, तो इसका जो फ्यूल टैंक का जो कैप है वो आपको नॉर्मल सा ही मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगल बगल में कोई भी पानी नहीं भरेगा। इसमें एक होल दिया गया जो कि अगर बारिश का पानी भी यहाँ पर भर जाता है तो सीधे नीचे पानी निकल जाएगा। बाकी जो टैंक है वो मेटल प्लस फाइबर बॉडी में दिया गया, ऊपर वाला जो ब्लैक वाला हिस्सा ये प्लास्टिक का है और साइड वाले जो पैनल वगैरह हैं वो आपको मैट कलर में जो मिलते हैं गोल्डन कलर में, ये आपको मेटल बॉडी के मिल जाते हैं। बाकी साइड में देखेंगे तो यहाँ पर E20 का अपडेट आपको मिल जाएगा, E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है और 45 से 50 का ये बाइक आपको भागकर माइलेज देती है। यहाँ पर आपको इंजन के नीचे में सेल्फ स्टार्ट का बटन दिया गया, अपराइट हैंडल बार मिल जाती है और ठीक है। बाकी इसमें आपको USB मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको एक ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये मोबाइल का होल्डर है जो कि एक एक्सेसरीज का पार्ट है। ये सब जो चीज़ें हैं वो कंपनी ने मतलब कि शोरूम वालों ने इसमें लगा रखी हैं, अगर आप चाहो तो इस तरह की एक्सेसरीज इसमें फिट करा सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्जिंग का पोर्ट मिलता है, जिससे पंचर किट में भी ये जो पोर्ट है वो काम आने वाला है। अगर आपकी बाइक पंचर हो जाती है, ट्यूबलेस टायर है, तो यहाँ से आप इसमें जो टायर में हवा भरने वाली जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है उसको लगा कर यहाँ पर आप पंचर भी जोड़ सकते हैं भाई, ठीक है। इसमें आपको फुल डिजिटल नेगेटिव LCD डिस्प्ले का पूरा सेटअप मिलता है। यहाँ पर RPM मीटर है, इको इंडिकेटर है, घड़ी मिल जाती है, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है, ओडोमीटर, ट्रिम मीटर मिल जाता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है, जिसमें SMS अलर्ट, कॉल अलर्ट, मिस कॉल अलर्ट और इसमें TCS ट्रैक्शन कंट्रोल वाला फीचर्स भी मिल जाता है जो कि स्विचेबल नहीं है, ठीक है। यही वाला मीटर आपको FZS V3 और MT में नहीं मिलता है, उनके जो मीटर हैं वो अलग हैं। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर वगैरह नहीं मिलेगा। हैंडल बार आपको अपराइट मिल जाती है, जो टॉप स्पीड है वो 118 से ऊपर में नहीं जाती है। यहाँ पर जो क्लच का लीवर है वो भी काफ़ी हल्का है। यहाँ पर पासिंग का बटन दिया गया तो थ्रू आपको रात में काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर की लाइट है और यहाँ पर अपर डिपर इंडिकेटर और हॉर्न। साइड प्रोफाइल पर चलते हैं तो भाई यहाँ पर आपको दांते वाले आपको फोल्डेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं जो कि एल्यूमिनियम में दिए गए हैं और ये है भाई इसका जाली वाला साड़ी गार्ड, ओपन चेन सेट कवर है और यहाँ पर चेन को नीचे वाले हिस्से को भी प्रोटेक्ट किया गया, जिससे कपड़ा वगैरह जाने के कोई भी चांस नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर आप पीछे में कोई भी लेडी प्लेन को भी बिठाते हैं तो दुपट्टा पल्लू वगैरह नहीं जाने वाला है चेन के अंदर में, तो ये जो हिस्सा ये पूरा का पूरा प्रोटेक्ट रहने वाला है, ठीक है, सेफ्टी के हिसाब से भी। गियर की बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 5 गियर मिल जाते हैं और इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल जाता है। मेरे हिसाब से इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी इसके इंजन में पावर नहीं है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल को यूज किया जा सके। इसमें पावर कंपनी को बढ़ानी चाहिए, मेरे हिसाब से 15-16 BHP की देनी चाहिए। साइड स्टैंड इंजन गडअप सेंसर आपको मिल जाएगा और नीचे में मैन स्टैंड भी दिया गया। 139 kg की बाइक है। प्राइस की बात करें तो FZX150 की जो एक्सोरूम कीमत है वो है 1,37,300 रुपये। ऑन रोड कीमत है इसकी 1,62,216 रुपये। ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है विक्ट्री ऑटोक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड यामाहा शोरूम BT रोड कोलकाता। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।